दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनीत ट्यूटोरियल्स में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैंने एसएससी सीजीएल 3 बार क्रैक किया हुआ है और मेरा जो डेली रूटीन है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स प्रेफर की एसएससी सीजीएल के लिए, और उसके बाद में मैं एक टिप बताने वाला हूँ जो मेरे टाइम में एसएससी सीजीएल जब मैंने क्रैक किया तो उस टाइम मेरे सबसे फायदे वाली चीज जो मुझे लगी वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा डेली रूटीन। डेली रूटीन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं घर में पढ़ना प्रेफर नहीं करता था, मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में पढ़ना ही प्रेफर करता था। तो मैं 6 बजे उठता था और 6 बजे उठने के बाद मैं 6:30 तक जो भी मेरे नहाने धोने के काम थे उनसे सब से मैं फ्री होके, और उसके बाद 6:30 से 7:15 तक टी या ब्रेकफास्ट वगैरह लेता था। 6:45 मतलब 7:45 के आसपास मैं घर से निकलता था लाइब्रेरी के लिए, और 7 बजे तक मैं लगभग लाइब्रेरी पहुंच जाता था। और 7 बजे से लेके 10 बजे तक मैं स्टडी करता था। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं मॉर्निंग में इंग्लिश सब्जेक्ट को ज्यादातर उसी को मैं स्टडी करता था, क्योंकि क्या होता है कि मॉर्निंग में एनर्जी पावर भी सबसे ज्यादा होती है, और एनर्जी पावर के साथ साथ ये होता है कि आपको जो लर्निंग एबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है। तो इसलिए मैं ज्यादातर इंग्लिश सब्जेक्ट को प्रेफर करता था। 7 से 10 इंग्लिश सब्जेक्ट को देने के बाद में 10 बजे के आसपास मैं आधे घंटे के लिए एक टी ब्रेक लेता था। और हमारा एक ग्रुप था लाइब्रेरी के अंदर, काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, तो सभी क्या करते थे कि हम 10 बजे बाहर आ जाते थे लाइब्रेरी से, और जो भी टी स्टॉल वगैरह होती थी वहां पे हम चाय पीते थे और साथ में हम डिस्कस करते थे कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन हुआ, कौन सा नहीं हुआ, ठीक है, क्या एक्स्ट्रा हमें करना चाहिए एसएससी के लिए। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करता था और साथ में कुछ हंसी मजाक भी करते थे हम। तो थोड़ा क्या है, माइंड हमारा क्या है, फ्रेश हो जाता था। 10:30 पे मैं वापिस अपने सीट पर जाके बैठता था, और उसके बाद में 10:30 से लेके 12 o'clock तक मतलब 12 बजे तक मैं जीके पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम भी थोड़ा जीके हमारे पास में जो लर्न करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी रहती है। तो 10:30 से लेके 12 बजे तक मैं जीके पढ़ता था। जीके पढ़ने के बाद में 12 बजे हम लंच करते थे। लंच करने के लिए हम 12 से 1 सामने एक गार्डन था वहां पे हम जाते थे सभी फ्रेंड्स वगैरह और साथ में लंच करते थे। तो 15-20 मिनट में हमारा लंच हो जाता था। उसके बाद हम वही थोड़ा हंसी मजाक हो जाता था और थोड़ा डिस्कशन भी हो जाता था कि कौन सी बुक्स हमें और एक्स्ट्रा वगैरह देखना चाहिए। तो वो सारा करके हम 1 बजे वापस से अपने लाइब्रेरी में आते थे, और वहाँ पे फिर हम सीट पे बैठ के 1 से लेके हम 3:30 बजे तक मैं वापस से एक मैथ्स सब्जेक्ट को प्रिफर करता था। तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस होते थे वो मैं 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सोल्व करता था, क्योंकि होता क्या है कि लंच से पहले हमें नींद नहीं आती है जनरली, पर लंच के बाद जैसे ही आप लंच के बाद बैठोगे तो नींद आना पॉसिबल है कि जरूरी आएगी आएगी। तो इस वजह से मैं मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करता था, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा नींद की दिक्कत नहीं आती थी। और अगर लंच के बाद आप जीके या इंग्लिश वगैरह पढ़ोगे तो आपको होएगा कि आपको पक्का नींद आएगी आएगी। तो इस वजह से मैं लंच के बाद मैथ्स सब्जेक्ट को पढ़ना ज्यादा अच्छा मानता था। ठीक है, मैथ्स 3:30 के बाद में हम वही आधा घंटा टी ब्रेक लेते थे 3:30 से 4 बजे तक, और टी ब्रेक लेने के बाद में 4 बजे वापस सीट पे आते थे। और उसके बाद मैं जो टेस्ट पेपर होता था वो एक टेस्ट पेपर जरूर देता था। तो 4 से लेके 5 बजे तक मैं टेस्ट पेपर देता था 1 आवर का, और 5 बजे के बाद फिर जितने भी मेरे मार्क्स आते थे या जो भी क्वेश्चंस होते थे उनका मैं सॉल्यूशन देखता था कि कौन से क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, कौन से गलत हुए हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, जो मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, या फिर इंग्लिश में जो भी वन वर्ड हो गए, स्पेलिंग्स हो गई, या फिर कोई भी ग्रामर रूल हो गया जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा होता था उसको मैं नोट डाउन कर लेता था। तो 5 से 6 मैं उसका सोल्यूशन देखता था, और 6 o'clock शाम को जो 6 बजे फिर उसके बाद मैं घर जाता था। घर जाने के बाद मैं कोई भी पढ़ाई नहीं करता था। घर जाने के बाद ऑब्वियसली बात है थोड़ा कुछ भी देख लेता था, हल्का फुल्का थोड़ा घूमना वो करना, डिनर करना, ठीक है, और मोबाइल में सोशल जो भी हमारे पास में व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह होता था वो चला लिया करता था। हालांकि मैंने जब एग्जाम टाइम हुआ करता था तो मैं 2-3 महीने तो फेसबुक वगैरह को बिल्कुल बंद कर दिया करता था, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे चीजें क्या होता है, डिस्ट्रेक्शन ज्यादा होता है बजाय कुछ अच्छी चीजों के। तो
ये सारी चीजें मैं नहीं करता था। बट हाँ ये है कि एक दो ऐप वगैरह ऐसी थी जिनको मैं काफी रात में देख लिया करता था, जैसे वोकैब 24 होता है, ठीक है, तो उसमें काफी एडिटोरियल वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। आप उस पर क्लिक करके वहां पे अगर किसी भी स्पेलिंग का या कुछ मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लिक करो, उसका सोल्यूशन आपको वहीं पे दिख जाता है। तो इस तरह की ऐप वगैरह थी, वो मैं रात को देख लिया करता था मोबाइल के अंदर। तो ये मेरा डेली रूटीन था और ये इसको मैंने फॉलो किया। हाँ ये होता था जब एग्जाम टाइम होता था तो शाम को 6 बजे से लेके फिर हम उसको थोड़ा सा क्या है एक्सटेंड कर देते थे। फिर हम क्या करते थे कि 9 या 9:30 तक हम कंटिन्यू करते थे जब एग्जाम टाइम होता था 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो सुबह 6 बजे से 7 बजे से लेके फिर हम 9:30 तक कंटिन्यू करते थे और उसके बाद फिर हम घर आके फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह करते थे। और जो सोने का जो टाइम था मेरा वो 10:30 था, मैं 10:30 पे लगभग सो जाया करता था। तो ये सारी चीज मैं एसएससी टाइम जो एसएससी एग्जाम के टाइम में मैं इस तरह से डेली रूटीन फॉलो करता था। हाँ ये है कि कभी 7 दिन के अंदर कभी इच्छा होती थी कि चलो हैक्टिक हो रहा है शेड्यूल तो हम कभी मूवी देखने चल जाया करते थे, कभी घूमने फिरने के लिए 2-4 घंटे कहीं इधर उधर चले गए, पर वो वीक में मैं मुश्किल से एक दिन करता था, ठीक है, बाकी टाइम हम स्टडी को कंटिन्यू करते थे। तो ये हमारा डेली रूटीन है। और इसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल हौसला नहीं हारना है, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 6 मंथ्स भी अगर ढंग से और अच्छे से पढ़ाई कर ली तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता है एग्जाम्स को पास करने से। तो ये मेरा पूरा डेली रूटीन था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स मैंने प्रिफर की है एसएससी एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैथ्स इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले हमारे पास में बुक है एक एमबी पब्लिकेशन की। एमबी पब्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि पहले कुछ ग्रामेटिकल रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वन वर्ड है, इडियम फ्रेज वगैरह है, तो वो जितने भी चीजें वो स्टार्टिंग में दी हुई है, और उसके बाद में सभी लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो सारे दिए हुए रहते हैं, सेट सेट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सारे पेपर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और वो सारे पेपर्स जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। तो जनरली आपको एमबी पब्लिकेशन पढ़नी कैसे है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग के जो भी पोर्शन है उसको कवर करो, और साथ में आप एक एक पेपर डेली इंग्लिश का उसके अंदर देखो अच्छे से, और उसके लास्ट में स्पेलिंग्स भी लिखी हुई रहती है तो उनको भी आपको जरूर से अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। और इस तरह से एक एक पेपर आप वहां पे सोल्व करते चलो और सारी चीजें आप बार बार लर्न करते रहो वहां से। तो एमबी पब्लिकेशन की बुक काफी अच्छी है, ठीक है, तो उसको आपको जरूर देखना है। सेकेंड जो मैं बताना चाहूंगा वो है वर्ड पावर मेड इजी। जो वर्ड पावर को स्ट्रोंग करने के लिए आपके पास में बुक है वर्ड पावर मेड इजी की, और इसकी एक्सरसाइज वगैरह काफी अच्छी होती हैं और काफी कुछ सीखने को मिलता है। और एसएससी और बैंक एग्जाम्स के अंदर या रेलवे का भी अगर आप देखते हो तो सभी एग्जाम्स के अंदर इसमें वर्ड पावर मेड इजी से काफी ज्यादा स्पेलिंग्स वगैरह यूज होती हैं, तो इसको भी आपको देखना चाहिए। और जब आप एक बार एक दो एक्सरसाइज करोगे तो आपको खुद को इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि ये बुक है ही ऐसी कि आप एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाती है स्टडी को, ठीक है, आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। एक दो एक्सरसाइज आपको करके देखनी पड़ेगी पहले, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो बुक है जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है नीतू सिंह मैम की इंग्लिश ग्रामर की बुक, ठीक है। तो वो बुक भी रामबाण है एसएससी एग्जाम्स के लिए, और उसमें भी रूल्स जो है सभी रूल्स को आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस बुक को भी आपको जरूर से जरूर प्रेफर करना है, ठीक है। फोर्थ बुक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है, और इसके जो राइटर है वो है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। तो ये बुक क्या है कि बेसिकली आपने अगर सारे ग्रामर रूल्स याद कर लिए, ठीक है, नीतू मैम की बुक में से, और उसके बाद में फिर आपको प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, और जितने भी एग्जाम्स में ग्रामर रूल्स के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। तो आपको 1 बाय 1 सारे पेपर्स निकालने हैं इसके, और उसके अंदर काफी नए रूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसको या तो हाईलाइट कर सकते हो या फिर किसी अदर नोट्स के अंदर आप कॉपी कर सकते हो कि आप वहां पे राइट डाउन करके और उसको लिख के याद कर सकते हो। तो इस तरह से आप अलग से इस वाली बुक को भी परचेज करके जरूर पढ़ें, ये मेरा सजेशन है आपको, ठीक है। उसके बाद एक है हमारे पास में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वोकैब 24 के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था, वो अच्छी ऐप है,
तो एडिटोरियल न्यूज़पेपर के लिए एडिटोरियल बहुत जरूरी है, क्योंकि द हिंदू जो है उसमें जो छोटे वाले एडिटोरियल आपने देखे होंगे जो साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में 1 एंड 2 ऊपर नीचे आते हैं, वो सारे एडिटोरियल आपको जरूर से जरूर देखने चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि SSC एग्जाम्स के अंदर वो एडिटोरियल एजिटिज ही एजिटिज आते हैं, ठीक है, तो वो आपको जरूर देखने चाहिए। साथ के साथ मैं जो क्या करता था, मैं एक कार्ड बनाता था, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरा कार्ड्स का एक बॉक्स है, ये तो केवल एक बॉक्स, दो ही है अभी क्योंकि काफी सारे थे वो इधर उधर हो गए हैं, तो जनरली आपको बताने के लिए मैं बता देता हूँ। इस कार्ड्स में क्या है आप देखो, ठीक है, एक साइड मैंने स्पेलिंग्स लिखी हुई है, ठीक है, ये सारी मैंने MB पब्लिकेशन की जो स्पेलिंग्स है जो हर पेपर की वो लिखी हुई है, ठीक है, और एक साइड स्पेलिंग है, दूसरी साइड मैंने उसका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ में ही ऊपर मैंने यहाँ पे सेट नंबर भी लिखा हुआ है कि कभी कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो मैं जाके उस सेट पे देख सकूँ कि ये स्पेलिंग है और इसका मीनिंग क्या था वहां पे, ठीक है। और ऐसे मैंने काफी सारे कार्ड्स बनाए हुए हैं, आप देखोगे, ठीक है, ये कार्ड्स मैंने बनाए हुए हैं सारे, और इन कार्ड्स का मैं यूटिलाइज कैसे करता था, देखो मैं मानता हूँ कि एक बार जब आप लिखोगे तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, बट एक बार टाइम अगर आपको लग गया तो आप क्या कर सकते हो, आप डेली 5-10 कार्ड रखो अपने जेब में, पॉकेट के अंदर, जैसे पॉकेट में रखोगे तो कहीं भी, जैसे आप रात को बैठे हो, घूम रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप एक बार देख लो कि हाँ अपने पास में स्पेलिंग है, इसका क्या मीनिंग है, फटाफट फटाफट आपने देख लिया, आपको बुक लेके कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो या इधर उधर कहीं जा रहे हो तो आप आराम से इनको देख सकते हो, ठीक है, देखो और ये क्या इजीली लर्न हो जाएंगी, तो बार 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 इनको रिपीट करते रहो। तो ये सारे कार्ड्स मैंने बनाए थे, और इन कार्ड्स में बनाने में थोड़ा टाइम लगता है पर अदरवाइज बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कार्ड की डिटेल, और उसके बाद में हम चलते हैं फिर सेकंड सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश में ये सारी चीजें कर ली तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर इन्हीं के थ्रू आएंगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा बुक्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन मैथ्स में। तो मैथ्स में सबसे पहले तो आपको, अगर इनिशियल आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले RS अग्रवाल की बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, मैं कहता हूं कि उसके अंदर बेसिक है और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो सबसे पहले आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है, आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाना है कभी भी। मैं हमेशा हमारे चैनल पे भी जो मैथ्स के वीडियोज हैं उस पर मैं यही आपको बताता हूँ कि कभी भी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मत सीखिए, आपको पहले बेसिक सीखना चाहिए, बेसिक सीखने के बाद ही आपको शॉर्ट ट्रिक पे जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही तब चलेगा कि शॉर्ट ट्रिक बन कैसे रही है, ठीक है। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप तो बस एक रट्टा लगाओगे कि ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह से करना है, पर अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा दिया तो आप फिर उस शॉर्ट ट्रिक को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं मेरे चैनल में सारे मैथ्स के वीडियो जो मैं बनाता हूँ, ठीक है, उसमें मैं यही बताता हूँ कि पहले बेसिक क्वेश्चन बता, बेसिक सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद में फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। उससे होता क्या है कि इन फ्यूचर आप जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाने भी लग जाओगे उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी शॉर्ट ट्रिक बन चुकी है, अब नहीं बन सकती, आप बना सकते हो, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी शॉर्ट ट्रिक आप खुद से बना सकते हो, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद RS अग्रवाल के बाद में आपके सामने यहाँ पे किरण पब्लिकेशन के लास्ट ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, तो आप वो परचेज कर सकते हो और उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। साथ में टॉपिक वाइज मैं हमारे चैनल पुनीत ट्यूटोरियल्स में सारे बताते ही रहता हूँ, ठीक है, हर एक टॉपिक का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है हम उसको सोल्व करवाते हैं, बेसिक भी और उसका शॉर्ट ट्रिक भी, ठीक है, तो जरूर देखें हमारे सारे वीडियोस को। और उसके बाद में हम चलते हैं GK के ऊपर। GK के अंदर आपके सामने यहाँ पे क्या है, मैं दो बुक आपको प्रिफर करूंगा, ठीक है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता दोनों बुक आपको पढ़नी है, सबसे पहले आपको प्रिफर करूंगा लोसेंट GK की, ठीक है, बहुत ही बेस्ट बुक है और आप उसको स्टडी कीजिए, ठीक है। और अगर वो नहीं कर सकते हो तो दूसरी बुक मैं बता देता हूँ, अरिहंत की GK है, ठीक है, जिसका नाम है आपके पास में जनरल नॉलेज 2022, ठीक है, उस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हो। और ये दोनों बुक है, उनमें से किसी एक को चूज करना है आपको, दोनों नहीं पढ़नी है क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी फिर वो, ओके। उसके बाद में हम चलते हैं कि डेली न्यूज़पेपर के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आप कोई सा भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। फोर्थ है आपके पास में रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के लिए वैसे ज्यादा कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं, बट हाँ अगर आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, तो मैं तीन बुक आपको प्रेफर करता हूँ, आप कोई सी भी एक बुक लेके उसको स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास में अरिहंत की बुक है, ठीक
ठीक है, अरिहंत की रीजनिंग की बुक आती है, एक आती है आपकी आरएस अग्रवाल, ठीक है, वो भी उसकी भी रीजनिंग की बुक आती है, और एक लूसेंट की भी रीजनिंग की बुक आती है। तो तीनों में से कोई सी भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो। हालांकि मैंने ये किया है कि टेस्ट पेपर जो मैं देता था उसी के अंदर मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस करता था, ठीक है, उसमें जो भी दिक्कत आती थी तो मैं किसी से भी बुक एक बार लेके, देखो क्या है कि सभी टॉपिक्स में तो मुझे दिक्कत आती नहीं थी, दो या तीन ऐसे टॉपिक थे छोटे छोटे जिन पे मुझे दिक्कत आती थी, तो मैंने किसी से बुक लेके और उन पे थोड़ा सा स्टडी किया और उसके बाद में उनका सोल्यूशन मैंने निकाला, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चारों जो सब्जेक्ट है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में बताता हूँ कि टिप क्या है। टिप ये है कि आपको टेस्ट पेपर जरूर देना है, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करता था, डेली में टेस्ट पेपर देता था और मैंने एक चार्ट बनाया हुआ था घर पे, ठीक है, और उस चार्ट में क्या होता था कि हर एक पेपर देने के बाद में इंग्लिश मैथ्स जीके और रीजनिंग के अंदर कितने कितने मार्क्स आए, कितने मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, कितने नेगेटिव हुए, ठीक है, और क्या मेरी रैंक आई है, वो सारा मैं उसके अंदर नोट डाउन करता था, ठीक है, और नेक्स्ट पेपर देता था फिर नोट डाउन करता था। तो इस तरह से क्या है कि मेरे को मेरी परफॉर्मेंस पता चलती थी कि मेरा इंप्रूवमेंट किसमें हो रहा है किसमें नहीं। सपोज करो इंग्लिश के जो मार्क्स है वो अगर सेम आ रहे हैं 10-15 दिनों से, ठीक है, ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, तो फिर मुझे ये होता था कि मुझे मेरी कहाँ कमी रह रही है, कि किन किन क्वेश्चंस में मेरी गलतियां ज्यादा हो रही हैं, मैं उस पर फिर ज्यादा फोकस करता था, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी एक चार्ट बना के और इस तरह से आपको सारा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक टिप और देना चाहूंगा मैं कि मैंने जो मैथ्स के नोट्स बनाए हुए थे, ठीक है, तो उनको मैंने ए4 साइज पे सारे नोट्स लिख लिए थे प्रॉपर, ठीक है। नोट्स का मतलब है कि जितने भी फॉर्मूला वगैरह हैं, और अगर आप एडवांस मैथ की बात करोगे तो एलजेब्रा, और उसके बाद में एलजेब्रा के बाद में एडवांस मैथ के अंदर ये हो गया ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, इन सब चीजों को, ठीक है, मैं देखता रहता था, एक पेज पे लिखता था ए4 साइज पेज पे, और अपने जो वॉल होती थी, दीवार होती थी जो कमरे की, उस पर मैं चिपका दिया करता था। तो एक तरह से मेरी जो वन साइड, एक साइड की जो पूरी दीवार थी वो फॉर्मूला वगैरह से पूरी भर गई थी। तो जब भी मैं उठता था या दिन में जब भी टाइम मिलता था रात को या दिन में, तो उसको मैं एक बार देख लिया करता था सारे फॉर्मूला वगैरह को। तो उससे ये फायदा होता था कि जब मैं एग्जाम में जाता था, एग्जाम से एक दिन पहले मैं वहां पे दीवार के सामने खड़ा होकर सारे फॉर्मूला देख लिया करता था, मुझे क्या बार बार पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फायदा है कि आपको सारे फॉर्मूला एक ही दीवार पे मिल जाते हैं, और आप आराम से फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हो, लास्ट पेज तक आप फटाफट रीडिंग कर लेते हो। तो मुझे इतने इस तरह से रट गई थी हर चीजें कि मेरे को बार बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बस मैं 5-10 मिनट के अंदर सारे पेज देख लेता था और मेरे को वो सारी चीजें याद रहती थी, ठीक है। तो ये बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट टिप थी, और इसी तरह से सारी चीजें जानने के लिए आप आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले जानने के लिए जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ठीक है, जिससे जितने भी मैक्सिमम जो वीडियोज है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। और थैंक यू सो मच।